देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुधीर बिश्नोई। चोटन विधानसभा क्षेत्र के धनाऊ में राजकीय पंचायती राज चुनाव में रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को धनाऊ के खेल मैदान में विशाल आम सभा व भाजपा व कांग्रेस दोनों पर तीखे प्रहार किए। धनाऊ में सैकड़ों की संख्या में मौजूद युवाओं ने जोशीले स्वागत तथा गगन भेदी नारों के बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से कहा कि दोनों पार्टियां राज्य की जनता को बराबरी से लूटा है, एक बार कांग्रेस तथा एक बार भाजपा। दोनों ही पार्टियों ने मजदूरों युवाओं का शोषण किया है। दोनों ही पार्टियों ने पर कटाक्ष करते हुए इस बार बोतल के पानी को दोनों पार्टियों पर कचरा साफ होगा। बेनीवाल ने कहा है कि हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। हम कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत 5 साल से मैसेज करता है मगर मैसेज क्या है ये पता नहीं। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों से किसानों युवा रोजगारों के लिए जन आंदोलन नहीं किया, सिर्फ सत्ता में आने के लिए आमजन को चुनावों के प्रलोभन दिखाकर सत्ता काबिज करने के लिए गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में अकेला लड़ता आया हूँ तथा नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि कुछ साथी छोड़कर भाजपा में चले गए हैं। वहीं मैंने हुंकार महारैलियों में अपनी मांग से किसानों के ऋण माफी व दूसरी किसानों के फ्री में बिजली मिले, तीसरी मांग बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, चौथी मांग टोल नाके पर किसी भी सभी टोल बंद हो, पांचवी मांग सिंचाई का पानी प्रत्येक खेत में मिले तथा बाड़मेर के तेल उत्पादन व खनिज उत्पादन की रॉयल्टी बाड़मेर के विकास कार्य में लगाई जाए जिससे पिछड़े इलाके में सुदूर ढाणियों में विकास कार्य किया जा सके तथा राज्य में कानून व्यवस्था का राज हो। साथ ही मैंने नागौर की धरती से हुंकार भरी थी जिसमें बाड़मेर के युवा व रोजगारों पर हुंकार के पंख लगा दिए। इस दौरान रालोपा प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, जिला अध्यक्ष उदाराम मेघवाल, प्रदेश महामंत्री उमेदाराम बेनीवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष सताराम देवासी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजेंद्र चौधरी, कंवराराम पालीवाल आदि समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। सेडवा से जयप्रकाश चौधरी की खास रिपोर्ट। जबरदस्त समर्थन आरएलपी को पूरे राजस्थान के अंदर मिल रहा है। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, नागौर में टोंक, सीकर और हनुमानगढ़ तमाम जिलों का दौरा करूंगा, लेकिन बाड़मेर के अंदर अथाक जन समर्थन मिला। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आज हमारे साथ है, तमाम नौजवान जो हमारे कार्यकारिणी के अंदर वो भी साथ हैं। बाड़मेर में जिला प्रमुख राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बनेगा, नागौर में जिला प्रमुख बनेगा, बीकानेर सीकर में बनेगा और बाकी जगहों पे आरएलपी के समर्थन के बिना जिला प्रमुख नहीं बनेंगे। आरएलपी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और आरएलपी पहली पार्टी राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी जिसने पंचायत चुनाव लड़ा, एक नया इतिहास आरएलपी पार्टी ने बनाया। देखिए, टोल मुक्त कर्ज माफी के लिए लगातार वादे करने से क्या होता है, सरकार मेरे हाथ में थोड़ी है। मेरी अगर सरकार आई तो एक मिनट में कर दूंगा। अभी तो लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ और जब तक टोल मुक्त नहीं होगा इसी तरह मेरा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली की सरकार को भी घेरेंगे, राजस्थान की सरकार को भी घेरेंगे और नया राजस्थान बनाएंगे मिलकर सब लोग। टोल मुक्त होगा, रोजगार भी मिलेगा और कानून का राज राजस्थान के अंदर। ये थे हमारे साथ में रालोपा संयोजक हनुमान बेनीवाल जिन्होंने राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश की। मेरे साथ कैमरामैन संजय जैन के साथ जयप्रकाश चौधरी, सेडवा। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर।